भोजन वितरण का आज 17 जून 2019 दिन सोमवार को समिति का 1 वर्ष 34वां सप्ताह लगभग 19 महीने सफल रहा। समिति के सम्मानीय व जिम्मेदार सक्रिय पदाधिकारियों ने आज मौसम खराब व बूंदाबांदी होने के बावजूद भी सभी सहयोगियों में अजीब सा उत्साह देखने को मिला और आज के वितरण में शामिल होकर फतेहपुर शहर में देर रात भ्रमण कर जरूरतमंदों को असहायों को ढूंढ ढूंढ करके 200 भोजन के पैकेट निःशुल्क बांटा गया। साथ में बच्चों को भी निःशुल्क बिस्कुट वितरण किए गए। समिति के महासचिव राजू राय जी को हृदय से आभार, जो प्रत्येक सप्ताह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते, क्योंकि किसी कार्य की चर्चा करना आसान है परंतु उसी कार्य को जमीनी प्रयास करना और उस कार्य को अंतिम रूप देना बहुत कठिन है। आज के वितरण में शामिल हुए जिम्मेदार पदाधिकारी शेखर, अमित, नूर अहमद, संतोष साहू, रीगन, धर्मेंद्र सिंह चौहान, एसटीवी न्यूज के पत्रकार भी मौजूद रहे, अंकित वर्मा, अशर भाई आदि। युवा समिति चलाते हैं फतेहपुर में, ये कितने वर्षों से चलाते हैं? कितने वर्षों से चलाते हैं ये? आज 1 वर्ष जो है 21 सप्ताह लगभग 19 महीने हो रहे हैं। तो ये जो भोजन आप वितरित कर रहे हैं ये कैसे निकलते हैं? ये सभी के सहयोग से हो रहा है, सभी के सहयोग से। और जो लोग चाहते हैं सुनने कमाना चाहते हैं, प्रत्येक सोमवार हम लोग आते हैं, सब इंतजार करते हैं। जी, अपना नाम बताने का? जी, कुमार से। कहाँ रहते हैं? व्यवसाय करते हैं। आइए हम जनता से कुछ बात करते हैं। ये जो भोजन जन सेवा समिति शेखर जी चलाते हैं, ये कैसा लगता है? लोग अच्छा लगता है, लोग सभी जो जो बुढ़िया हैं बुढ़े हैं उनको खाना देते हैं और बच्चों को बिस्कुट मिलता है। तो क्या चाहते हैं शेखर जी के लिए, इससे भी बेहतर कर सकें? हाँ, इससे बेहतर कर सकें और अच्छा काम दिखाएं। देखिए, जनता यहाँ पे बहुत खुश है और कहते हैं इससे भी बेहतर दिखाने का प्रयास करें शेखर जी। आइए बच्चों से हम पूछते हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है। खाना वितरित कौन करता है आपको? भैया करते हैं। आज आपको क्या मिला है? बिस्कुट मिला हुआ। और क्या मिलता है आपको? बिस्कुट और बिस्कुट और बच्चों और किसको खाना वगैरह मिलता है? खाना मिलता है, ठीक है।